आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी हम आए हुए आज को मोमोज खाने के लिए और ये है गोलमोड़ी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमोज मिलता है। मोमोज स्पेशल 51 टाइप्स का मिलता है और साथ ही यहाँ पे कुल्फी भी मिलता है, मोमो रोल वोल वगैरह सब मिलता है और पीछे बैठने का भी सुविधा है। यहाँ है छानवी, छानवी घूमने आई है और यहाँ पे है 51 टाइप का मोमोज। उधर बैठने का इधर सब लोग को क्लियर दिखा दे रहे हैं। सोनिया कोको कोला वगैरह सारा चीज मिलता है। देखिए यहाँ स्टीमोरा मोमोज और उस तरफ फ्राइड और देखिए उसी के बगल में है एक पार्क। तो हम आए हैं और देखिए यहाँ एक पार्क है, ये है डेंजर जोन और ये पूरा है और यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो पूजा वगैरह होता है। उनके बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। ये अब शाम हो गया तो लाइट वगैरह जला दिया गया है और उधर है फाउंटेन। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं फाउंटेन। यहाँ है सो फ्लावर का पेड़ और हम लोग पहुँच गए हैं फाउंटेन के पास और यहाँ तो शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है फाउंटेन के पास बैठने में। और देखिए फाउंटेन और इधर पीछे तरफ है तो इसलिए ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, सारे लोग आगे ही बैठे हुए हैं। और इधर एक नया मॉल खुल रहा है मेरा सिनेमाज और अगल बगल है काफी सारा दुकान। पार्क में आइए और खा करके जाइए। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर वापस और ये पार्क काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी शाम को आ सकते हैं अगर गोलमोड़ी में रहते हैं तो, शाम के लिए अच्छा है पार्क वगैरह और बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है खेलने के लिए। और यहाँ है एक और यहाँ एक पीपल का बर्गर का पेड़ है और साथ ही है हमारे यहाँ पे भोले बाबा। मैंने आप लोगों को दूर से दिखाया, सोच चलो सामने से दिखा देते हैं। और साइड साइड पेड़ वगैरह, यहाँ नल है, पानी भी पी सकते हैं, तो सारा सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। और ये झंडा लगा हुआ हनुमान जी का, साथ ही पीछे है एक बड़ा सा मंदिर। तो चलिए वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। और ये है एक हनुमान जी का मंदिर, ये मैं पहली बार आई हुई हूँ। देखिए अभी कोई नहीं है मंदिर में। और ये है हमारे बजरंग बली जी। हम पहुंच गए हैं घर और सानवी को देखे सानवी। और हमने लिया था मोमोज, ये पनीर मोमोज और ये बचा है ये है कॉर्न मोमोज। अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया और आज हम बना रहे खाना में मटर पनीर की सब्जी और साथ ही बटूरा। बोले चलो आज पनीर के साथ थोड़ा बटूरा ट्राई किया जाए, वो भी आटा वाला बना रहे हम। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे ये फ्रिज में था ना, तो इसलिए हम इसे गर्म पानी में छोड़ दिया था मेल्ट होने के लिए कि थोड़ा सा उसका बर्फ जो है वो हट जाए। और यहाँ मैंने बटूरा सान करके रख दिया है। देखिए कैसे प्लास्टिक के साथ खेल रही है, प्लास्टिक के साथ इसको खेलना है ना सानवी। देखिए देखिए
धप्पा बोल दो धप्पा। लो अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।